नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी में, आपके साथ रईस सेठी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरेली त्यौहार पर कृषि यंत्रों की पूजा की गई है मठ में। जी हां, हरेली त्यौहार के अवसर पर श्री दूधाधारी मठ तथा इससे संबंधित जेतुसाव मठ, शिवरी नारायण मठ सहित सभी मठ मंदिरों में कृषि यंत्रों की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई। महाराज जी, हरेली के त्यौहार के बारे में बताएंगे। भारतीय संस्कृति सनातन धर्म में श्रावण मास का कृष्ण पक्ष जो अमावस्या होता है, उसे हरेली त्यौहार के नाम से मनाया जाता है। हमारा भारतवर्ष कृषि प्रधान राष्ट्र है, विशेष करके जो छत्तीसगढ़ है वो कृषि प्रधान राज्य है, और छत्तीसगढ़ में इस हरेली त्यौहार को लोक भाषा में, छत्तीसगढ़ी भाषा में नांगर तिहार के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन कृषि कार्य में जितने भी औजार उपयोग में लाए जाते हैं, चाहे वो हल हो, गैती हो, रापा हो, कुदाली हो, इन सब का विशेष पूजा अर्चना किया जाता है। सनातन धर्म में संपूर्ण विश्व को ही ईश्वर का स्वरूप माना गया है। वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि सिया राम में सब जग जानी, अर्थात संपूर्ण जगत के चर और अचर सभी ने भगवान विराजित है। हरेली त्यौहार की उन्होंने प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं भी दी है। गौ माता का, गौ वंशियों को भी, बैल का भी विशेष पूजा अर्चना किया जाता है। धन्यवाद ज्ञापन करने तक कृतज्ञता ज्ञापन करने का यह त्यौहार है कि हल से, बैल से नांगर चला करके कृषि कार्य संपन्न कराया जाता है। तो उन्हें कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आपके कृपा से, आपके सहयोग से यह कार्य संपन्न हुआ है। अब आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छे ढंग से फसल हो, ये कह के इस त्यौहार को मनाया जाता है। और हरेली त्यौहार इसका नाम ही है, अनेक पौधे लगाए जाते हैं फलदार और छायादार, जिससे कि आने वाले लोग याद रखें और उस छाया का, उस फल को उपयोग कर सकें, ऐसे हमारी परिपाटी परंपरा है। और ऐसी धार्मिक और जानकारी भरी खबरों के लिए बने रहिए स्वागत जिंदगी के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना न भूलें।